हमेशा एक कदम आगे। ये आप कहाँ रहते हो और यहाँ पर जो रास्ता था कब बनाया गया था और क्या उसकी आज हालत है? मैं चक्की नाके पे रहता हूँ और एक ही महीना पहले रास्ता बनाया हुआ है। इसकी हालत इतना खराब, इसने डांबर डाला कि क्या डाला है, ये सब कॉन्ट्रेक्टर और साहब की मिली भगत से काम चल रहा है। एक भी काम देखो, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं और पूरा मंदिर में पानी जा रहा है। इनका आधा का नाला बनाया है, पूरा सावन गया मंदिर में, पूरे भावनाओं के साथ ये लोग ने खेला है। तो अभी क्या कहना है आपका कि क्या होना चाहिए? नहीं, इन पे कॉन्ट्रैक्टर पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए और तत्काल में रोड का काम, गणेश उत्सव आगे आए है, तत्काल में काम पूरा होना चाहिए। की तरफ से जो रोड के पॉटल्स हैं वो बारिश के लिए रुके थे, अभी बारिश कम हो गया, अभी ये हम लोग मेंटेन करेंगे। पिछले कई दिनों से कल्याण डोंबिवली में इतने लोगों की जान गई, जिसके बाद में रास्ता बनाने का काम शुरू किया था, मगर एक महीने के अंदर इस तरह रास्ते की बनाने के बावजूद ऐसी अवस्था हुई, तो उस कॉन्ट्रेक्टर पे आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे और किस तरह की देख रेख रखेंगे? अभी ये पर्टिकुलर रोड में इतना जो पोर्शन है वो अभी हमने किया था बारिश के टाइम, फ्रेश फिलिंग किया था, फ्रेश फिलिंग थोड़ा सेटल होता है बारिश के टाइम। अभी बारिश कम हुए तो ये जो कुछ नुकसान है वो हम लोग करके नहीं थे। मगर सर ये अभी बनाया था, एक महीने पहले ही रोड ये किया था, टेंडर किया था, मगर एक महीना भी ये रास्ता ठीक तरह नहीं रह रहा है। क्या वजह है कि एक महीना भी रास्ता नहीं ठीक रहा है? फ्रेश फिलिंग था, थोड़ा एक्सपेक्टेड था जो सेटल होएगा वही हिसाब से अभी उसका प्रॉपर सेटलमेंट हुआ है। अभी जो काम होएगा वो प्रॉपर फिनिश हो जाएगा, उसमें बाद में मतलब इसमें ना कॉन्ट्रेक्टर की किसी तरह की गलती आप मानते नहीं हो? नहीं, गलती नहीं है क्या, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फ्रेश फिलिंग के ऊपर अगर काम होता है ना तो उसका प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन वर्किंग होना चाहिए, उसको उतना टाइम नहीं मिला, तो इसके लिए ये थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला है, थोड़ा पॉटल्स हुए हैं बारिश में। तो अभी कितने दिनों के बाद में इस रास्ते को देख रेख करना पड़ेगा और इस रास्ते बनेगा? नहीं, अभी बारिश तो कम हुआ है, अभी प्रोग्राम लगाते हैं। और आप हमेशा एक कदम आगे।